नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट टैग गुरुजी पर। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कहानी मुझे मेरे भाई ने बताई थी जो कि इंग्लैंड में रहता है। इंग्लैंड में एक शहर है बर्मिंघम। हमारे शहर से थोड़ी दूर पर ही एक शहर है गदरपुर। यहाँ से दो युवक हरदीप और नवजोत इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। बर्मिंघम शहर में ये रूम लेते हैं। वैसे नॉर्मल रूम जो होता है उसका रेंट जो होता है 10x15 का जो रूम होता है उसका किराया लगभग 1,00,000 रुपये होता है। पर जब ये शुरुआत में जाते हैं, ये महंगा रूम लेते हैं, वहाँ ये लोग कुछ कमा नहीं पाते हैं, इनको फीस भरने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो इनको पता चलता है कि उन्हीं के पास में एक रूम मिल रहा है जिसका रेंट ओनली 25,000 रुपये है। तो ये लोग आ जाते हैं। ये वहाँ जाने के बाद उस रूम को बुक कर लेते हैं, एडवांस में किराया भी दे देते हैं। ये सोचते हैं कि हमारा अच्छा खासा पैसा बच जाएगा जिससे कि हम आगे भी सरवाइव कर लेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि उस रूम की क्या कहानी है, लोग उसमें क्यों नहीं रह रहे हैं। वो जो घर होता है वो 2 मंजिला होता है। ये फर्स्ट फ्लोर पर रूम लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर खाली होता है। और मकान मालिक इनको ये भी बोलता है कि आप जो जब भी रहेंगे आप फर्स्ट फ्लोर पर ही रहेंगे, ग्राउंड फ्लोर पर आप नहीं आएंगे। ये लोग मान जाते हैं। लेकिन ये लोग यही सोचते हैं कि हमें इतना सस्ता रूम मिल कैसे गया। जब ये शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करने के बाद ये एडवांस में किराया भी दे चुके होते हैं। जब ये लोग शिफ्ट करते हैं तो पहली रात इनको ऐसा लगता है कि उस रूम के अंदर कोई ना कोई है, उस घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो उनके साथ रह रहा है, इनको आभास होता है। तो ये लोग यही सोचते हैं कि हो सकता है शायद मकान मालिक या उनका कोई जानने वाला ही कभी कभार आता होगा। तो ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और सुबह अपनी शिफ्ट पे चले जाते हैं। जब ये अगले दिन रात को आते हैं, खाना वाना खा के जब ये लोग सो रहे होते हैं तो अचानक ही घर में किसी के चलने की आवाज़ आती है। जब आवाज़ आती है, चीज़ें इधर उधर गिरना शुरू हो जाती हैं, किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। तो ये दोनों हिम्मत करते हैं और नीचे आके देखते हैं। नीचे आने के बाद देखते हैं यहाँ कोई नहीं होता है। तो ये लोग उन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ के वापस अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। फिर 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। चौथे या पांचवें दिन रात में जब ये लोग सो रहे होते हैं तो अचानक इनके रूम का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से खटखटना शुरू हो जाता है। जब ये लोग खोल के देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता है, फिर तो इनका जीना ऐसा हो जाता है दुश्वार। इनको कोई ऐसा लगता है कि जैसे रूम में है, कभी खिड़की बजने लग जाती है, कभी कोई सामान टूट जाता है, कभी अचानक से टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। जब ये लोग काफ़ी जांच पड़ताल करते हैं तो इनको पता चलता है कि रूम के अंदर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जिसकी वजह से यहाँ कोई रहने को तैयार नहीं था। ये लोग अगले दिन मकान मालिक के पास जाते हैं और मकान मालिक से कहते हैं कि हमें ये रूम छोड़ना है। तो मकान मालिक कहता है कि आप इसका किराया दे चुके हो तो आप इस मकान को नहीं छोड़ सकते हो। अब ये लोग फंस जाते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते हैं। ये लोग घर पे ही बात करते हैं, घर वाले भी कहते हैं कि एक आध दिन में हम पैसे भेजेंगे। तो मजबूरी में इनको वहाँ रात रुकना पड़ जाता है। तो रात में जब ये लोग दोनों स्टे कर रहे होते हैं तो अचानक से फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कोई इनके दरवाजे पर आता है, खटखटाता है, जिसके बाद जो हरदीप होता है वो एकदम से अपना आपा खो बैठता है और चिल्लाने लग जाता है, कौन है, अगर कोई है तो हमारे सामने आए। तब इनको वहाँ एक परछाई दिखाई देती है। जब ये परछाई देखते हैं तो ये डर जाते हैं। ये लोग काफ़ी रूम के अंदर बैठ जाते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगले दिन देखते हैं तो रूम के चारों तरफ इनको कदमों के निशान देखते हैं। ये लोग फिर अब इनकी मजबूरी थी वहाँ रहना। उससे अगली रात जब ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देती है और इनको ऐसा लगता है कि अब इस रूम के अंदर एक नहीं कम से कम 2-3 आत्माएं हैं। ये उस रात को इस रूम को छोड़ देते हैं और अपने पास ही के दोस्त के घर पे रात में रुक जाते हैं। और अगले दिन जब ये अपने घर पर आते हैं तो इनको चारों तरफ खून के निशान दिखते हैं। उसके बाद ये लोकल पुलिस में भी फ़ोन करते हैं। जब पुलिस वाले घर में दोबारा आते हैं, पुलिस वाले भी, और देखते हैं तो सब वैसा का वैसा होता है, ना कोई खून का निशान होता है ना किसी चीज़ का। जब ये उसकी बैक स्टोरी पता करते हैं तो पता चलता है कि उस घर में पहले भी कोई इंसान रहता था, जो एक फैमिली रहती थी। फैमिली ज़्यादातर नशा करती थी। तो एक दिन आपस में लड़ाई हुई, उस जो हस्बैंड था उसने अपने वाइफ को चाकू से गोद के मार दिया और ख़ुद को फांसी लगा ली थी। उसके बाद से ही
ये सब चीज़ें उनके साथ होने लगी। तो वो लोग तो इस रूम को छोड़ देते हैं, बट उसके बाद उस रूम में कोई भी नहीं रहता है और ये कहानी चर्चा में आ जाती है। तो दोस्तों आप ये बताइए कि ये कहानी वाकई में सच है। अगर आपको लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।